Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं तो तुझे सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था कि ये वही जूनी है जिसके नाम से भी तुझे नफरत है और तू इससे कभी शादी भी नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि जूनी बीबी के साथ आपकी जोड़ी खूब जचेगी। Really? Yes, bro. अंकल अगर आप चाहें ना तो इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, वो कैसे? देखिए, मैंने एक प्रोबेबिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो इंसान की पर्सनैलिटी, विजन और हालात के मुताबिक उसको फैसला करने में आसानी। वाह ब्रो, वाह वाह ब्रो, वाह, क्या बात है आपकी, छा गए ब्रो, आप तो आज छा गए। सिंगल टेक परफॉर्मेंस, ओफ ब्रो, मजा आ गया आज तो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? तुम्हारे मशरूम ने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया यार। जूनी मेरे सामने जैक के साथ चली गई और मैं वहां जमीन पे पड़ा हूं। तो ब्रो यही तो करना था ना, मगर ब्रो आपको अंदाजा नहीं कि आपने कितनी उम्दा परफॉर्मेंस दिया ब्रो। ब्रो अब आपको करना कुछ ही। बस बस, मुझे अब कोई जरूरत नहीं तुम्हारे चीप मशवरों की। आई एम डन नाउ यार, मुझे कुछ नहीं करना और। ब्रो आप तो घबरा ही गए हो, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है ब्रो, अभी तो एक सीन ओके हुआ है, तो पूरी फिल्म बाकी है ब्रो। आपको मंजिल के करीब पहुंचने के लिए ये जाहिर करना है कि आपका ये कंधा उतर चुका है और आप दर्द और तकलीफ से बर्बाद हो गए हो। लो, एक तो मैं पहले लूजर बन चुका हूं, अब तो मुझे और मशवरे दो ताकि और लूजर लगूं। तो ब्रो इस स्टोरी में आप लूजर हैं और लूजर ही बनना है, क्योंकि ब्रो लूजर हमेशा जीतता है। अच्छा ब्रो, आपने कंधा क्यों पकड़ा हुआ है? उन्होंने सच्ची मुची मार दिए ब्रो। करना क्या है ब्रो? आए बताता हूं। ये क्या हो रहा है? पैकिंग या जूनी, आज 10 जून है। मैं तो भूल ही गई। सैम प्लीज मेरी भी पैकिंग कर दो। ऑब्वियसली हर साल की तरह मैं ही करूंगी। थैंक यू सो मच माय लिटिल एंजल। अच्छा ये छोड़ो, पहले पहले तुम ये चेक करो। ये क्या है? टेक अ लुक एट इट बेबी। सकता नहीं, हो गया है, इट्स रियल। मुझे तो ये कोई फिल्मी टाइप सीन लग रहा है। उफ, इतना कॉमेडी सीन था सैम, तुम्हारी सोच है। यार जैक लगता नहीं है ना ऐसा, कितना माचो निकला। लगता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई किके मारी है जैक ने। अभी तो मैंने इतनी सारी फुटेज मिस कर दी। यही बहुत है। तुम मुझे बताओ कि शॉन का क्या बना? शॉन का तो मैंने पता नहीं किया कहाँ है। पता नहीं सुनिए, तुमने शॉन का पता नहीं किया? एक्शन इतना माइंड ब्लोइंग था ना सैम, तुम भी वहां होती तो सब भूल जाती। मैं और जैक फाइट खत्म होते ही आ गए। वैसे हैरत की बात है, जैक को भी ख्याल नहीं आया। वेरी बैड यार जूनी, तुम्हें शॉन को पूछना चाहिए था। प्लीज, इतनी भी मार नहीं खाई उसने, ठीक ही होगा। जूनी, उसने तुम्हारी वजह से मार खाई है और तुमने मुड़ के भी नहीं देखा कि वो किस हाल में। एटलीस्ट उसको डॉक्टर के पास ले जाती यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगी होंगी बेचारे को। हाँ यार, वैसे सैम तुम सही कह रही हो, पता तो करना चाहिए था ना, तो अब कर लो। हाँ मैं पता करती हूँ, तुम मुझे बताओ निकलना कब है? सब तैयार है, सिर्फ बाबा का वेट हो रहा है, तुम बस जल्दी से होकर आओ। तुम मेरी पैकिंग याद से कर देना, मैं यूं गई और यूं आई। ओके, पैकिंग याद रखना। यस बेबी। ओ जूनी बेबी, जूनी बेबी। ओ माय गॉड शॉन, आप ठीक हो? यार आई एम ऑल राइट। ऑल राइट कहाँ जी, जालिम ने इतनी जोर से मारा कि कंधे जड़ से उखड़ गए। क्या जूनी बीबी, ये तो शॉन ब्रो की ताकत है जो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं।
कोई और होता ना तो एम्बुलेंस में मूवमेंट हो रही होती। अर्शद भाई बातें छोड़े, प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास चलते, किसी ऑर्थोपेडिक के पास चलते, यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब? जूनी बीबी वैसे मेरा एक दोस्त है हड्डियों का, बहुत अच्छा मास्टर, हम उसके पास में चले, 10 मिनट की तो ड्राइव। भाई कहीं भी चले लेकिन यहाँ खड़े नहीं रहे, उसको दर्द हो रही होगी, है ना शॉन? आप दोनों की बातें मेरे ख्याल ज्यादा जरूरी हैं, वो हो जाए तो फिर चलेंगे। नहीं ब्रो ब्रो चलो आओ, ब्रो भाई जल्दी गाड़ी निकालें। ब्रो आओ। ओहो ये ऑटोमेटो गाड़ियां भी ना यार, ऑटोमेटो। हाँ ऑटोमेटो ब्रो, इसीलिए कहता हूँ मुझे ले चलो अपने साथ। कांधे में हेयर एंड फ्रैक्चर है इनके, कम से कम एक हफ्ते का बेड रेस्ट, उसके बाद आकर चेकअप करवाएं फिर। ओह माय गॉड। ये सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आज 10 जून है ना? तो 10 जून को क्या है? 10 जून को हम हर साल हर सूरत में अपना और चाहते हैं। पर क्यों? डैड अपने पीर साहिब से भी मिल लेते हैं और इसी बहाने हमारी सैर भी हो जाती है। लेकिन मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने नहीं बताया। अच्छा जैक को तो पता था, उसने तुम्हें नहीं बताया? ए, ये क्या तुमने किया शॉन? डैडी ये सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए केले के छिलके पे पाँव आ गया। केला खा रहा होगा ना? कंधे के बल गिर गए और शोल्डर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब एक हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो फिर तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते? नहीं जा सकता। नहीं नहीं अंकल, वो हफ्ते के बाद चले जाते हैं ना। नहीं, 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 एक हफ्ते बाद नहीं मैं जा सकता, मैंने 11 तारीख को वहाँ जाके पीर साईं की हाजिरी देनी होती है। ये अटल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हम ला सकते। नहीं होनी चाहिए अंकल। तुम यहाँ रहो तो यहाँ वो रमजान है, फसल है, वो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे, ऐसी क्या बात है बच्चे, तुम्हारा अपना घर है, ये क्या बात है। और बच्ची डैडी मैं अंदर जाती हूँ, चेंज भी करनी है और पैकिंग भी करनी है। तुम आराम करो, क्या बात, हफ्ते बाद हमने वापस आ जाना है, ऐसी क्या बात। तुमने मुझे बताया नहीं कि 10 जून को सब लोग जाते हैं? ब्रो तरीके कहाँ याद रहती हैं, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं आपको इस बंगे में पढ़ने का मशवरा क्यों देता। जैक तुझे इस प्लान के बारे में पता था है ना, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आई टोटली फॉरगॉट इट यार, आई एम रियली सॉरी। एक ही हफ्ते की तो बात है, वहां मेरी और जूनी की हसीन वादियों में सैर हो जाएगी और यहां तुम्हारा बेड रेस्ट। एंजॉय। क्या जरूरत थी आसमान की तरफ देखकर जॉगिंग करने की, अब आराम से घर बैठो और टीवी देखो। बाय शॉन। बदल जा आगे, ओए फिक्र ना कर, हफ्ते की बाद हम वापस आ जाएंगे, आराम कर। लड्डू वहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं, तेरे लिए लड्डू लेके आऊंगा, बड़े बड़े ऐसा ना, इतना शुगर मोर कांडा नहीं होता। वी गोना मिस यू, अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। तेरा प्लान अच्छा था, बस टाइमिंग जरा आउट हो गए, कुछ बड़ा सो मुझे लगता है मेरी वजह से जरा देर हो रही है उनको। एंजॉय। वैसे तू याद बढ़ाएगा शॉन। ब्रो अकल के आगे खड़ी होती है तकदीर, और तकदीर से कौन लड़ सकता है? ना भाई ना, तकदीर से नहीं कोई लड़ सकता। ओके ब्रो। चलो खेचो। अच्छा रुको रुको, मेरा मेकअप ठीक है ना? दुनिया पर ठीक लग रही हैं आप, चलो जल्दी से। चलो। मेरी मुशर्रफ भाई के साथ निकलो। चलो मैं उन्हीं के साथ, हमारे साथ ही। और क्या? ओए तू किधर बेच आ गया, हमारी ब्यूटी खराब कर रहा है। उधर जा।
That picture. Yes. लो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रफ साहब घर पे हैं? वो तो घर पे नहीं है जी। कब आएंगे? कहीं गए हुए हैं। सर आपकी तारीफ। मेरा नाम अमीर अली है। मैं पता करता हूँ जी। शान साहब, बाहर एक आदमी आया आपसे मिलना चाहता है। कौन? अमीर अली साहब। ठीक है, उनको अंदर भेजो। अच्छा जी। बल्कि एक काम करो, मैं उनको बाहर ही मिलके आता हूँ. Hey. Hello. I'm Amir Ali. And I'm Sean. Nice to meet you, Sean. Have you from UK? How do you know? Your accent says it all. जी, मैं पहली दफा पाकिस्तान आया हूँ, मगर आपका एक्सेंट भी पाकिस्तानी नहीं लग रहा, अमेरिकन लग रहा है. हाँ, मैं पिछले 18 साल से अमेरिका में ही रह रहा हूँ. वैसे I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं. पहचान भी कैसे सकते हो, हम पहली बार जो मिल रहे हैं. वैसे तुम मुशर्रफ साहब के बेटे? नहीं, मुशर्रफ अंकल की वाइफ मेरी पुप्पी थी. ओह, आई सी. वैसे ये वही मुशर्रफ साहब हैं जो पहले लक्ष्मी चौक में रहते थे और इनकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कुछ दुकानें थीं. इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता है, मुझे उनकी ऑटो इंडस्ट्री के बारे में ही पता है और वो कुछ ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी सोच रहे हैं. अच्छा, इनकी एक बहन थी मुनीजा. मुनीजा? उनकी बहन का नाम तो मुन्नी आप है. हाँ हाँ, वही मुनीजा मुन्नी. वो कहाँ होती? वो भी यहीं रहते हैं. क्यों, उनके शौहर उनके? नो नो नो, शी इज सिंगल. उन्होंने शादी नहीं की अभी तक. अच्छा. वैसे आप यहाँ अंकल मुशर्रफ से मिलने आए या मुन्नी आपा से? वो एक्चुअली मैं और मुनीजा, आई मीन मैं मुन्नी का लॉस्ट फ्रेंड हूँ. लॉस्ट फ्रेंड? 18 साल फैमिली के साथ? अच्छा, लॉस्ट फ्रेंड. वो तो मुझे आपकी शक्ल देख के पता चल गया था कि बात काफी डीप है. एक्चुअली मुनीजा और मैं, आई मीन मैं और मुन्नी दरअसल. अच्छा, ठीक है, मुझे सारी बात समझ आ गई है. मुझे ये बताएं कि आप अगले 4-5 दिन तक क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं. क्यों? हम सारे नॉर्थ जा रहे हैं. अप नॉर्थ? जी हाँ, वो मुन्नी आपा और सब लोग वहीं पर हैं. एक्चुअली मैं इसी काम के लिए पाकिस्तान आया हूँ. अच्छा, तो फिर चलते हैं. राइट नाउ? हाँ हाँ, अभी. वेल ओके, तो फिर मैं जरा चेंज करके आता हूँ.
मिश्रा जी, क्या मजेदार कढ़ाई थी यहाँ पे, मजेदार थी ना, मजा आ गया। स्टॉप द कार, क्या हुआ? ये आया सीधे। और खिलाएं कढ़ाई से मुशर्रफ भाई। लगभग 18 साल पहले की बात है, मैं यहाँ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से FSC में प्री इंजीनियरिंग कर रहा था। पायलट बनने का इरादा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक अब्बा फौत हो गया। वालदा पहले ही फौत हो चुकी थी तो सारे घर का बोझ मेरे सर पर आ गया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ टैक्सी चलानी शुरू कर दी। एक दिन इसी तरह लक्ष्मी चौक में एक सवारी को ड्रॉप कर रहा था तो एक लड़की घर से बाहर निकली और वो बड़ी घबराई हुई थी और उसके हाथ में सूटकेस था। तालिबान घर से भाग रही थी, उसने मुझे इशारा किया और मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। हम वहाँ से मॉडल टाउन एक कोठी में चले गए। उसने मुझे रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसका चेहरा उदास और आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ चलना है तो वो खामोश रही। मैंने बैक मिरर में देखा तो उसका चेहरा उदास और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने टैक्सी मोड़ी और उसे उसके घर पे वापस छोड़ दिया। उसके बाद हर रोज मैं उसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। वो खिड़की में से मुझे देखती लेकिन इजहार नहीं करती थी। एक दिन अचानक वो पीछे उतरी और आकर मेरी टैक्सी में बैठ गई। वो उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी सालगिरह का दिन था। मैंने उसे चंद फ्रेश रोजेस तोहफे में दिए तो वो बहुत खुश हो गई। हम सारा दिन घूमते रहे और बहुत एंजॉय किया। पानी पियो, आराम से बैठो। गंदा। और जी चलाएं गाड़ी। बॉस आगे वो पेट्रोल पंप आएगा, वहां से पेट्रोल भी डलवाना है। हाँ भाई पेट्रोल भी डलवाना है। फिर हम रोज मिलने लगे, मुलाकातें प्यार में बदलने लगी। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम शादी कर लेंगे और मैं अपना रिश्ता लेकर खुद ही उसके घर पहुंच गया। लेकिन उसके वालिद चौधरी फिदा हुसैन ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, मुझे मेरी औकात याद दिलाई। हाँ भाई जीते, कुछ तबीयत संभली तुम्हारी? पानी पियो। स्पाइसी था ना खाना बहुत। इनके असल में बर्गर खा खा के मेदे खराब हो गए, अच्छी खुराक की इनको आदत ही नहीं रही। हाँ जी और जनाब बस पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर जी। ठीक ओके जी, अल्लाह। सख्त नींद आ रही है मुझे, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ जाओ, वहां भी बड़ा आराम है, फर्स्ट क्लास जगह। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। तय ये हुआ कि हम सुबह गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मिलेंगे और उसके बाद कचहरी जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं सुबह तैयार होकर घर से निकला तो जहन में बहुत सारे ख्यालात थे, बस बनने का ख्याल नहीं रहा और एक तेज रफ्तार वैगन आकर मुझसे टकरा गया और मैं कोमा में चला गया। इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं था सिवाय अमेरिका के, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अमेरिका से एक NGO आई और मुझे ऐसे 5 मरीजों के मुफ्त इलाज की पेशकश कर दी और वो लोग मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए। वहाँ पर भी मैं 3 साल कोमा में रहा।
तीन साल बाद जब होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। रोजगार की फिक्र हुई तो मैंने एक कैब जो है वो किराए पे ले ली और काम शुरू कर दिया। और आज मेरा वहाँ पर अमेरिका में 100 कैब्स का अपना फ्लीट है जो मुसाफिरों को एयरपोर्ट से घर और घर से एयरपोर्ट तक पहुँचा था। I'm so sorry. लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप दोनों फिर से वही दिन गुजारेंगे जो आप गुजारते थे। मगर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आपने दरअसल सारी जिंदगी काम और मेहनत करके गुजार दी, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। बस जो मैं कहूं आप वही करते जाइए। ओके। हेलो, व्हाट्स अप ब्रो? ऑल डाउन ब्रदर। जर्नी कैसी चल रही है? बहुत मजा आ रहा है, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये लो, सैम से बात करो। हेलो शॉन। हेलो। शोल्डर कैसा है? फिट। यहाँ पे भी सब ठीक है सिवाय एक बंदे के। नहीं बस ऐसे ही हम लोग डैड तबसरे कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सोनी अपनी वीडियोस बना रही है और मुन्नी आपा काफी देर से रेस्ट कर रही है। ये लो डैड से बात करो। डैड शॉन। हाँ भाई शॉन। हाँ क्या हाल है तुझे? वो रमजान ने कोई खाना शाना खिलाया कि नहीं? जी अंकल मैंने खाना खा लिया था। चल ठीक है। आप लोग कितनी देर तक पहुँचेंगे? हम हाफ वे अक्रॉस वी हैव कम। हेलो बात करें। हेलो। हेलो जोनी, मिस कर रहा हूँ। किसे? तुम सबको। अच्छा हाँ, जैक भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा तुम लोग स्टे किधर कर रहे हो? खानपुर डैम भाई, खानपुर डैम। कौन सा डैम? हेलो हेलो हेलो, आई थिंक आवाज कट रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है बाबा। फोन ही कट गया। कहीं डैम के किसी रेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हैं। ओके ड्राइवर ऐसा करो कि इस्लामाबाद से डैम की तरफ टर्न कर जाना। सफर के अंदर आओ। जैक बाहर आओ। चलो अंदर आओ। सामान लेता है ब्रो। जी बॉस। जूनी को तो बुलाओ। आप अब अपने थीसिस पे काम करिए, छोड़ दो। चलो आ जाओ जैक, दिस वे। ये जगह भी पाकिस्तान में? हाँ आ जाओ। I love it, uncle. I love it. It is very, very big. Isme, you know, desi magarmach. So careful, Malati. Desi magarmach. Oh, wait, uncle. You were kidding, na? Wo magarmach. No, I am not kid. No, I mean, aap mazak kar rahe the, na? No. Isme magarmach hai. Acha, tum mujhe ek baat batao. मगरमच्छ इज फिश के एनिमल है, ये बताओ। ओह माय गॉड, दैट वाज क्लोज। लगता है टायर ब्रस्ट हो गया। हाँ बूट खोले, मैं स्टेपनी निकालता हूँ। ये तो लग रहा है टायर ब्रस्ट हो गए हैं। आप बूट निकाले, मैं स्टेपनी निकालता हूं।
कोई फायदा नहीं है। क्यों? दोनों टायर पंक्चर हो गए। ये कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने सड़क के ऊपर कील फेंक दिए। तो अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि वो सामने होटल है, वहां जाके बैठते हैं और फ्रेश होते हैं। अच्छा ड्राइवर, तुम इस तरह करो कि इसको पंक्चर लगवा के ना तो वो सामने होटल जो है वहां पर ले आओ। हैं, चलाओ, लेट्स गो। बड़ा तूफान है भाई। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए चिकन कॉर्न सूप ले आए और अच्छी तरह सिकी हुई चिकन बोली, और मुशर्रफ भाई आप क्या ऑर्डर करेंगे? मैं ना, ना ना ना, मुझे आप कोई ऑर्डर शटर ना करें, मैं खुद अपना ऑर्डर करूंगा। मुझे पता है इधर 11वें नंबर पे दर्ज है मटन चाप। हाँ जी, मटन चापस आप मेरे लिए चापे वो लेंगे। आपको मेन्यू याद है अंकल? बिल्कुल याद है। अच्छा ये बताएं कि खाने में चाइनीज क्या है? चीनी। चलो ये लड़की तो हमेशा गलत जगह पर गलत ऑर्डर करती है। चाइनीज रेस्टोरेंट जाती है ना तो पिज्जा ऑर्डर कर देती है, और पिज्जा हट जाकर पास्ता। मुशर्रफ भाई आपको याद है एक मरतबा ये वो हाजी मैंगो जूस गई थी और वहाँ जाकर कहने लगी फालसे का जूस ले। फालतू का लेना चाहिए था, वो मुफ्त का होता है। अच्छा चलें छोड़ें, आप लोग आप एक काम करें, पहले निहारी लें। अब क्या हुआ? अच्छा भाई मेरे लिए आप दो ग्रिल चिकन पीसेस कर दें और एक प्लेट कबाबों की कर दें, उसमें 5 कबाब हैं तो उनको अच्छी तरह से वेल कुक दो, और एक प्लेट आप कर दें चिकन बोटी, और बाकी आप उसके साथ कर दें एक फ्रेश लाइम। आप ये मेरे लिए यार ऐसा करो कि इनके लिए ORS में बना हुआ चिकन ले आइए। देखा? You are having weak reputation in Pakistan now. Please, आप तो नहीं दे रहे। जी साहब, चाय या खाना? यार पहले तो ये बताओ कि ये हाथ मुंह कहाँ धो सकते हैं? जी सर, नलका लगा हुआ है, अगर आपने हाथ धोने हैं तो, अगर आपने नहाना है तो पीछे गर्म हमाम भी है, वहाँ गर्म पानी आता है शावर के साथ, 30 रुपए लेता है नई टिक्की के साथ। बड़ी तरक्की कर ली है भाई। चलो। बग्याड़ होते हैं बार। अंकल ये क्या होता है ये बग्याड़? पापा ये लफ्ज मैंने पहली बार आपके मुंह से ही सुना है। नहीं ये होता है, वो मिलेगा आपको, टकराएगा, बताएगा आई एम बग्याड़, ऐसा ना दंड बताएगा आपको। डराए नहीं, बस समझा। ठीक है, ओके मम्मी, आओ ओके। अच्छा ऐसा ये नाम मैंने पहली बार बाबा के मुंह से ही सुना है। मुझे तो लगता है बाबा ने खुद भी कहीं से सुना है, देखा सीखा नहीं। यार यहीं बैठ जाए प्लीज, यहाँ व्यू बहुत अच्छा है। नहीं नहीं वॉक करो। यार मुझे सोना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत अपसेट चल रहा है मेरे स्टमक यार। तो तुम कुछ खा लो ना, कुछ नहीं होता। कुछ तो चिकन कढ़ाई खाने से भी नहीं होता। हो गया ना। अच्छा जैक तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा स्टार क्या है? वर्गो। तो इसलिए तुम इतने एनालिटिकल हो और बहुत ज्यादा ही गौर करते हो चीजों पे। हाँ मैं जरा अपनी कैलकुलेशन से चलता हूँ। यू नो इंसान अगर सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के फैसला करे ना तो उसमें गलती की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। That's very true. तुम के लियो तो नहीं हो? तुम्हें कैसे पता चला? आपको देखकर। कैसे? देखो लियोस टिपिकली तुम्हारी तरह ही होते हैं, ओपन माइंडेड एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड। लियोस चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं और लीडरशिप की क्वालिटीज उनमें बहुत प्रोमिनेंट होती है। कोई मुझसे मेरा स्टार पूछे। जी सर। हाँ भैया बताओ क्या है खाने में? खाने में जी दाल है, गोश्त है, कीमा, करेले, सब्जी, चिकन बोटी, लेग पीस, कबाब, चिकन पुलाव, मटर पुलाव। नो आमिर भाई, आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियसली। नहीं नहीं दाल बहुत अच्छी होती है। ऐसा करते हैं कि 2 प्लेटें दाल की, 4 गर्मा गर्म रोटियां और 7 कोल्ड ड्रिंक ले।
हाँ हाँ, खाने के बाद ना गर्मा गर्म कहवा जरूर लें। कुछ सलाद या रायता वगैरह? नहीं नहीं सलाद नहीं। अच्छा ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके। हवा में उड़ और देख जरा दिल और धरती को साथ। नहीं नहीं बहुत खा लिया मैंने। कहीं तुम तो खा ही नहीं तेरे, बस ये कावा आ जाए तो फिर निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जबरदस्त। ये लो कावा भी आ गया। वाह जी वाह। मगरमच्छ इज वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। ये जो दूर से लड़का आ रहा है ये मुझे शॉन जैसा लग रहा है। शॉन नहीं है, शॉन किस तरह हो सकता है? तुम्हारा बिजनेस पार्टनर वो होगा जो काफी अरसे के बाद तुम्हारी जिंदगी में आया। मुझे नजर आता है कि बिजनेस के साथ साथ उसके साथ तुम्हारी रिश्तेदारी भी बन जाएगी।